हेलो फ्रेंड्स, GSM हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास है सैमसंग G7 नेक्स्ट। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे FRP लॉक लगा हुआ है। तो FRP टूल्स में हम ट्राई करते हैं, शायद ये लॉक निकल जाए। तो पहले तो क्या करना है, वाईफाई के साथ फ़ोन को कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई के साथ फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है। अब जस्ट आपको फ़ोन कनेक्ट करना है। फ़ोन कनेक्ट हो गया है, अब बाईपास FRP भी क्लिक करना है। ओके, वापस ट्राई करते हैं। डिवाइस मैनेजर में हम चेक कर लेते हैं ड्राइवर। डिटेक्शन में अगर प्रॉब्लम आता है तो भी आपका फ़ोन नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब सही डिटेक्शन हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। नॉट नाउ, रिमाइंड मी लेटर। फिर यहाँ पे एक लिंक टाइप करना है, वीडियो स्क्रीन में आपको मिल जाएगी, देख के टाइप कर सकते हैं। बिटली FRPAP। पहले सेटिंग ऐप डाउनलोड कर देना है। अलाउ डाउनलोड, ओपन पे क्लिक करना है। सेटिंग अलाउ बैक इंस्टॉल, ओपन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है सिक्योरिटी में, अदर सिक्योरिटी। जो पिन विंडो है एनेबल करना है और क्लिक करना है यहाँ पे। यूज स्क्रीन लॉक टाइप टू अनपिन, ये भी एनेबल करना है और पिन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। 1 2 3 4 पासवर्ड ऐड करना है। कंटिन्यू 1 2 3 4, ओके। बैक आ जाना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वन टू थ्री फोर ऐड कर लेना है यहाँ पे। स्किप बटन पे क्लिक करना है, स्किप। तो इस तरह आप बाईपास FRP कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हैं।